विकासखंड टौनी देवी के तहत पंचायत उहल गांव ननोट में सरकारी रास्ते के निर्माण के विवाद को लेकर पंचायत प्रधान कुलदीप सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला और उन्हें शिकायत पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के दो लोग रास्ते का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 वर्ष से मामला लटका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व धूमल सरकार के कार्यकाल में रास्ते व डंगे के निर्माण कार्य के लिए 50,000 रूपए स्वीकृत हुए थे। उन्होंने बताया कि विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत प्रधान कुलदीप ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि रास्ता सरकारी है, परंतु उसके बाद भी गाँव के दो लोगों ने बिना वजह से काम बंद करवा दिया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से रास्ते का निर्माण कार्य रोकने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बारे में हमने अपनी पंचायत द्वारा ऊल पंचायत द्वारा जो कार्य निर्माण रास्ता पर डंगे का चलाया हुआ था उसको एक परिवार जो करने दे रहा उसके प्रति हम डीसी मैडम से मिले और उन्होंने हमें एसडीएम के साहब के पास भी जा एसडीएम साहब ने हमारी बड़ी अच्छी तरह से पूछताछ की और इस केस को हमारे प्रति हमारा जो केस है उसको तहसीलदार मैडम टौनी देवी को फॉरवर्ड कर दिया। हाँ हम सारे मैं पंचायत के सदस्य व ग्रामवासी जो अब टौनी देवी तहसीलदार के पास मिलने जा रहे हैं। कोर्ट में 45,000 रुपये से सारे आम रास्ते पर डंगे का निर्माण किया जा रहा है, परंतु श्री मेहर सिंह व उसकी बहू का परिवार जो है वो उसमें व्यवधान खड़ा कर रहा है और पंचायत को काम करने नहीं दे रहा है, जिसके प्रति प्रधान साहब ने पुलिस की सहायता भी ली और अपने कार्रवाई का की, लेकिन वो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते हैं और ना ही निर्माण करने देते हैं और व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण माननीय प्रधान ग्राम पंचायत उड़ू प्रधान व पंचायत के अन्य सदस्य गाँववासियों के साथ माननीय उपायुक्त महोदय से मिले और उन्होंने अपनी जो कठिनाई है उसको प्रस्तुत किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त महोदय ने ये मामला एसडीएम साहब हमीरपुर की सेवा में प्रस्तुत करने को कहा। एसडीएम साहब ने उस डेपुटेशन को तहसीलदार साहब हमीरपुर टौनी देवी के पास मार्क करके भेज दिया गया है और तहसीलदार टौनी देवी को आदेश जारी किए हैं कि वो मौके पर जाएं और पुलिस की सहायता लेकर के मौके की रिपोर्ट बनाएं और मौके पर जो वो काम करवाना आरंभ करें।